आज की रेसिपी है गजरेला। गजरेला बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लेते हैं। 1.5 कप चीनी, 4 to 5 tablespoons गार्निशिंग के लिए, 5 tablespoons बासमती चावल, उसे मैंने धोकर सोक कर लिया था 2 घंटे, 5 tablespoons गार्निशिंग के लिए, हरी इलायची के दाने 2 अदद, ज़ाफ़रान एसेंस 1/2 teaspoon, खोया 1/2 किलो, दूध 1 kg गरम करके बॉईल करके रख लिया है, आठ अदद बड़े गाजर श्रेड करके रख लिए, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। शुगर ऐड करेंगे इसमें, दूध में हमने चीनी ऐड कर दी है, बॉयल होने तक हम इसे पकाएंगे। इलायची के दाने 2 अदद साथ ऐड कर दूंगी, सोखे हुए चावल भी ऐड कर दूंगी साथ में, तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये हो गया है 20 to 25 minutes तक। अब देखें चावल हमारे ऑलमोस्ट जो है डन हो चुके हैं इसके अंदर। श्रेडेड गाजर हम इसमें ऐड कर देंगे, दस मिनट तक इसे पकाएंगे हम मीडियम आंच पे। गाजर डालकर 20 मिनट तक मैंने इसे मीडियम आंच पर कुक किया था। सारी गाजरें अच्छी तरह गल चुकी हैं, देखें। खोया ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, पंद्रह मिनट तक पकाएंगे खोया ऐड करके मीडियम आंच पे। आंच हमने मीडियम ही रखनी है। तीन मिनट्स हो गए हैं इसे कुक करते हुए। अब देखें अच्छा सा थिक हो गया है गजरेला।
ज़ाफ़रानी एसेंस ऐड करूँगी मैं इसमें, 4 to 5 ड्रॉप्स। अच्छे से खुशबू आ जाती है गजरेला में। रेडी है हमारा गजरेला।